तो अगर आपका पीसी स्लो चलता है तो उसको फास्ट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले आपको यहाँ से कंट्रोल पैनल पे जाना है। कंट्रोल पैनल ओपन करने के बाद आपने अनइंस्टॉल ए प्रोग्राम, यहाँ पे जाने के बाद जो भी प्रोग्राम यूज में नहीं है उस पे राइट क्लिक करके अनइंस्टॉल कर दें, तो उनको अनइंस्टॉल कर दें जो आपके यूज में नहीं है। सारे प्रोग्राम यहाँ से आप देख सकते हैं, लिस्ट एक एक करके यहाँ से अनइंस्टॉल कर दें। उसके बाद इसको क्लोज कर दें और यहाँ पे जाके यहाँ लिखें डिस्क क्लीनअप। डिस्क क्लीनअप का ऑप्शन आपको यहाँ मिलेगा। डिस्क क्लीनअप के ऊपर क्लिक करने के बाद वो डिस्क सेलेक्ट करें जो आप क्लीन करना चाहते हैं, उसके बाद ओके कर दें। डिलीट फाइल, उसके बाद रिफ्रेश करें। उसके बाद यहां पे विंडो सिस्टम सेटिंग के ऊपर क्लिक करें। एडवांस ऑप्शन, एडवांस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करें। यहां से ये सारे पॉइंट हैं जो एडवांस ऑप्शन के, ऑफ कर दें सभी को। ठीक है, सबको ऑफ करने के बाद ये जैसे ऑन है इनको ऑफ कर दें, ये सारे ऑफ कर दें। ठीक है, इनको ऑफ करने के बाद आपको क्या करना है, विंडो को मिनिमाइज कर देना है। उसके बाद सेटिंग के ऊपर क्लिक करें। अपडेट एंड सिक्योरिटी, यहां पे आपने विंडो सेटिंग, विंडो सिक्योरिटी के ऊपर क्लिक करें। उसके बाद आपने फायरवॉल नेटवर्क प्रोटेक्शन के ऊपर क्लिक करें। उसके बाद इस तरह के ऑप्शन आपको मिलेंगे, तो इनको सभी को ऑन कर दें। फायरवॉल सभी प्राइवेट नेटवर्क के लिए ऑन कर दें सभी को। ऑन करने के बाद आपको यहां से इसको मिनिमाइज कर देना है, फिर यहां से इसको मिनिमाइज कर देना है। उसके बाद आपको अपना पीसी रीस्टार्ट करना है। उसके बाद रीस्टार्ट के ऊपर क्लिक करें। उसके बाद अपना पीसी चला के देखें, आपकी स्पीड बहुत अच्छी आएगी पहले पीसी के मुकाबले में।